प्रदेश में रेप की वारदात बढ़ती जा रही है। ताजा मामला शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र का है। यहां बीजेपी नेता ने महिला रसोईया को अपनी गाड़ी में बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता को मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि दलित महिला एक प्राथमिक विद्यालय में रसोईया का काम करती है, जिसका आरोप है कि वेतन बढ़ाने का लालच देकर बीजेपी नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। चलो तुम्हारी जलालाबाद में अपना आधार कार्ड ले चलो, बैंक किताब ले चलो, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और वहाँ तुम्हारी मीटिंग है, सूचना जाएगी तुम्हारी डीएम पास। तो हमने हमके सब लोग जाते हूँ जा रहे, और मैं अकेले गाड़ी में लेके गए। इन्होंने हाईवे रोड पर से इधर अमलिया वाले रोड अनकपुर वाले रोड पर का मोड़ दी गाड़ी, जाके भट्ठा के आगे इन्हें गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा तुम इधर मोड़ का गाड़ी ले आए, चलो जलालाबाद इधर का करना है, इसे ड्रामन जाने हमारा मनसाराम ने इसने मुँह तो पहुँच लो मेरे देखो जी गला तुम्हारी गाड़ी के अंदर कर दे, गाड़ी ला कर दे उधर से राम कुमार आ गए इन्हें मासन। पुलिस मामला संज्ञान में आने के बाद गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना अल्लाहगंज के कतियारी गांव का प्राप्त हुआ है और इसमें जो आरोप लगे हुए हैं उसकी मुसीबत जलालाबाद से जांच करा करते हैं, उसकी विधिक कार्रवाई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। शाहजहांपुर से नंदलाल, पंजाब केसरी टीवी। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।